हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुमड़ा बड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि कुमड़ा बड़ी हम कैसे घर में बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे हम भथुआ के साथ बनाने वाले हैं। इसे कुछ लोग रखिया बड़ी के नाम से भी जानते हैं। सफेद कद्दू और उड़द दाल से बनी हुई ये बड़िया बहुत ही टेस्टी होती है। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप उड़द की दाल को अच्छे से धोकर 4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसे अब हम मिक्सी की जार में डालकर पीस लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है अभी। आप इस तरीके से भतुआ बड़ी की रेसिपी बनाकर जरूर रखें। उसके साथ मैं बहुत सारी रेसिपीज अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। ये देखिए, दाल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। दाल को पीसने में हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। दाल में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया। इसे हमने एक बड़े से बर्तन में डाल लिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच ही हमने लिया है हींग। इसे हम दाल के बीच में डालकर इस तरह से ढक देंगे और इसे हम 2 घंटे तक एक साइड में रख देंगे। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है। इसे हमने एक साइड में रख दिया है। अब हमने लिया है ये भथुआ। ये 1 kg भथुआ या कुमड़ा है। इसे हमने अच्छे से छील लिया है और धो लिया है। इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, ना ही बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटा। इस तरह के ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। इसे पानी से निकालने के बाद हमने जाली के ऊपर रख दिया था ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। इस तरह से हमने सारे को ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम हाथों में इस तरह से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को एक कपड़े में बांधकर इसे भारी तले वाले बर्तन से दबाकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। भतुए से हमने आगरा की पेठी की रेसिपी शेयर की। क्या आपने वो रेसिपी देखी? अगर देखी तो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। ये जो दाल वाला पैटर हमने लिया था, इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, 2 चम्मच हम डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम हाथों से इतना मिक्स करेंगे कि ये जो दाल वाला बैटर है ना, बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा। उतना हमें इसे मिक्स कर लेना है। एक बोल में हम ले लेंगे पानी और उसमें इस बैटर को डालेंगे। अगर ये बैटर ऊपर की तरफ आया है, इसका मतलब ये बैटर रेडी है। ये देखिए, बैटर ऊपर की तरफ आ गया है। ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम ऐसे ही चेक करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम भथुआ, जिसका एक्स्ट्रा पानी हमने निचोड़ कर रखा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी रहेगा तो ये बहुत ही चिपचिपा सा हो जाएगा। इसके लिए इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। लौकी हो या भतुआ हो, इसे आप ग्रेट करेंगे तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। इसे हमने इसके लिए हाथों से निचोड़ लिया। इस तरह की एक हमने ली है प्लेट और इसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि जब ये बड़ी धूप में सूख जाए तो प्लेट से आसानी से निकल जाए। इसी तरह से हमने और भी प्लेट्स रेडी करके रख लिया है और इसके बॉल्स बनाकर इसमें हम डालते जाएंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने इसे प्लेट में बनाया है। आप चाहे तो इसे आप कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं। जब इसे हम कपड़े पर बनाते हैं तो सूखने के बाद उसे निकालते वक्त थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्लेट में आसानी से धूप में ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसे सूखने के बाद निकालने में भी नहीं। ये देखिए, बढ़िया तैयार है। इसे हमने तेज धूप में 4 दिन तक सूखने दिया, उसके बाद इसे हमने पलट दिया है। अब इसे हम 1 दिन और सूखने देंगे। ये देखिए, टोटल 5 दिन सूखने के बाद ये बढ़िया रेडी है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आने वाली है, तो आप इस तरीके से इस बड़ी की रेसिपी को बनाकर जरूर रखें। और इन बड़ियों के साथ आने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बड़ियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।